बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो देख रहा है मेरा यूट्यूब चैनल, मैं मेहर खान हूँ। मैं इस वक्त देहात पे जा रहा हूँ, शाम के टाइम रोज़ाना देहात पे जाता हूँ। ये गन्ने का फसल मैं आपको दिखाऊंगा, ये भर में हम हमारा आज का व्लॉग है, हम इमरान खान के बारे में बात करेंगे। इमरान खान आएगा सस्ता ही हो जाएगी, ये लोग कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं बात करूंगा। ये भर में गन्ने का फसल भी आप देख सकते हो, 2 महीना भी नहीं हुए कटाई होने के लिए, अभी ये तैयार हो रहा है। आगे मैंने तिल लगाए हैं, मैंने सोचा मैं आपको हो भी थोड़ा छोटे छोटे दिखाऊं। ये हमारे भैंस का चारा है, आप देख सकते हो। ये हमारे गांव के करीब ही मौजूद है, देहात अक्सर मैं देहात पे वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। मैंने सोचा मैं आपको दिखाऊं, ये हमारे गांव की खूबसूरती है माशाल्लाह। तिल भी दिखाऊंगा, ये गन्ने का तकरीबन 2.5 महीना हुए, ये देख सकते हो। ये तिले मैंने लगाया है, गंदम की कटाई के बाद मैंने सोचा मैं आपको दिखाऊं। ये देख सकते हो तिल लगे पे हैं, पहले इसमें गंदम थी, गंदम निकल चुकी है, तकरीबन 1 महीना हुआ है, इसको 20 दिन हुए हैं। हम बात करेंगे इमरान खान के बारे में और उसकी हुकूमत के बारे में आने वाले वक्त की। लोग पुरमिन हैं, वो कह रहे हैं इमरान खान की जब हुकूमत आएगी सस्ता ही हो जाएगी हर चीज़ का है। ये पंजाब में सेहत कार्ड जो है, सिंध में भी ऐसा ही होगा, या एहसास प्रोग्राम उस वक्त चल रहा था इमरान खान के दौर में, इसमें तो तब्दीली नहीं है। बेनज़ीर का नाम है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, पहले क्या था, एहसास प्रोग्राम था, इमरजेंसी या प्रोग्राम था, और दूसरे प्रोग्राम भी है। मैंने सोचा इस वीडियो में बात करूं, अल्लाह करे लोगों की बात सच साबित थे। खाली बात से तो कुछ नहीं होगा, और इमरान खान के दौर में मजदूर का बना, जब कोरोना थी उसको इमरजेंसी मन 12,000 मिल रहे थे, अभी मजदूर भी मर रहा है, कोई उसको पूछने वाला नहीं, एहसास ही नहीं मजदूर का था, वो गरीब का था, कुछ भी नहीं है। इस वक्त गरीब तो मुकम्मल तबाह है, लोगों और मजदूर इमरान खान को जाने लगे हैं, वो कह रहे हैं इमरान खान का जब दौर आएगा, वो प्रोमीन है तो आएगा एक बार। मैं कह रहा हूँ इमरान खान का दौर आएगा तो फर्क तो कोई नहीं पड़ेगा, आए में जब तक होगी पाकिस्तान में तब तक फर्क कोई नहीं होगा, किसकी भी हुकूमत हो जाए। अल्लाह करे ऐसा हो जाए हमारे लोगों की, हमारे मजदूरों की, हमारे किसानों की बात सच साबित थे। हमारा आज का व्लॉग पसंद आया हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए, इसलिए मुझे ताकत होती और हौसला बढ़ जाता है। हमारी तबीयत सही नहीं है, मुझे साह की तकलीफ़ है, मैं कोशिश कर रहा हूँ टाइम पे वीडियो रिकॉर्ड कर दूँ, टाइम पे नहीं दे सकता हूँ। हमारे गांव के अंदर काफ़ी परेशानी, गुर्बत तो है और हादसा वगैरह और फोतगी और सेहत का काफ़ी मसला है, कब किसकी सेहत नहीं है, कब फोतगी, कभी एक्सीडेंट हो रहा है, वो इसलिए मैं वीडियो टाइम पे नहीं दे सकता हूँ। मेरा व्लॉग आज का पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, थैंक यू।